दोस्तों, हनी बैजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। ये एक ऐसा जानवर है जो बिना घबराए किसी से भी भिड़ सकता है। आकार में छोटा होने के बावजूद भी ये अपने क्रूर और आक्रामक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसको सबसे निडर जानवर के रूप में प्रदर्शित किया है। दोस्तों, हिंदी में हनी बैजर को बिज्जू के नाम से जाना जाता है। अधिकांश ये भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये इतने आक्रामक और खतरनाक होते हैं कि जंगली जानवर भी इनके ऊपर हमला करने से घबराते हैं। हनी वेजर वर्सेस लिजर्ड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हनी वेजर का सामना जब एक मॉनिटर लिजर्ड से होता है। हनी वेजर वैसे तो दुनिया में अपने आक्रामक रूप के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हनी वेजर के द्वारा एक लिजर्ड का शिकार किया गया है। हनी वेजर वर्सेस जेब्रा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बेबी हनी वेजर टहलता हुआ जेब्रा के सामने पहुंच गया था। वहीं फियरलेस मॉम आकर उस जेब्रा के हमले को प्रिवेंट कर देती है। जेब्रा हमला करने से पहले ही घबरा जाता है और वहां से चुपचाप दम दबा के भाग जाता है। दूसरी भी इस वीडियो में हनी बैजर को देख सकते हो कि हनी बैजर किस तरह से घोंसले में लटक कर अपने शिकार को तलाश रहा है। हनी बैजर वर्सेस मंगूस। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से हनी बैजर जो है एक मंगूस को अपना शिकार बना रहा है। ये वीडियो का दृश्य इतना घातक है कि हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते, लेकिन हनी बैजर के बारे में एक चीज तो तय है कि ये जानवर अकेला ऐसा जानवर है जो कि किसी से नहीं डरता। दोस्तों, अगर इसके भोजन की हम बात करें तो ये कंद मूल फल और छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बना लेता। ये इतना खतरनाक होता है कि मरे हुए इंसानों की कब्र खोद कर भी खा जाता है। दोस्तों, देखने में ये किसी भालू और नेवला का मिला जुला मिक्सचर सा लगता है। हनी वेजर वर्सेस स्कॉर्पियन। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस बिच्छू ने हनी बैजर के ऊपर हमला करके पड़ी लकड़ी मोल ले ली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से उसके बाद जो हनी बैजर ने किया वो नज़ारा देखने लायक था। हनी बैजर ने लकड़ियों के ढेर में से खोद खोद कर उस बिच्छू को तलाश लिया और उस बिच्छू को पकड़ कर अपने मजबूत नुकीले दांतों से चबा चबा कर उसको अपना भोजन बना लिया। दोस्तों, हनी बैजर निडर होने के साथ साथ काफ़ी चालाक भी होता है। ये इतना चालाक होता है कि अगर इसको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो ये इंसानों की तरह किसी प्लान को एग्जीक्यूट करके उसकी कुंडी खोलकर भाग जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से बिच्छू की यहाँ पर सामत आई हुई है। हनी वेजर वर्सेस रैबिट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बेबी रैबिट के ऊपर हनी वेजर का ये हमला किया गया है। बेबी रैबिट काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद उसके चंगुल से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बैजर के चंगुल से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और हनी बैजर वापस उसको पकड़कर अपना शिकार बना लेता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से हनी बैजर के द्वारा इस बेबी रैबिट के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया गया है। दोस्तों, हनी बैजर अपनी निडरता के कारण ही इसके जो जंगली जानवर हैं वो इसके ऊपर हमला करने से कतराते रहते हैं। हनी वेजर वर्सेस स्नेक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक अजगर को यहाँ पर हनी वेजर के द्वारा शिकार बना लिया गया है। हालांकि अजगर है तो काफ़ी मजबूत जानवर, लेकिन यहाँ पर हनी वेजर के सामने उसकी एक नहीं चलती है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से हनी वेजर खिलौने की तरह पहले अपने शिकार के साथ खेल रहा है और मौका पाने पाने पर ही उसको जो मुंह है वो अपने दांतों से दबोच लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक किंग कोबरा और हनी वेजर के बीच में ज़बरदस्त फाइट चल रही है। दोस्तों, दोनों ही जानवर एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही अपनी शक्ति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन यहाँ पर भारी जो पड़ता है वो हनी वेजर है। हनी वेजर अपने शिकार को अपने मुंह से चबा चबा कर उसको लहूलुहान कर देता है।
हनी बैजर वर्सेस टर्टल। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से कछुए को हनी बैजर के रूप में शिकार किया गया है। हालांकि कछुए के ऊपर एक विशेष तरह का कवच होता है जिससे कि वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यह कछुआ जो है वो दुर्भाग्यशाली लग रहा है, लेकिन वो हनी बैजर से अपनी जान को नहीं बचा पाता। पहले तो काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद हनी बैजर उसको पलटने में सफल हो जाता है। पलटने में सफल हो जाने के बाद भी उसकी शील्ड को तोड़कर यहाँ से उसका जो मुंह होता है वो उसको निकाल कर खाने लगता है। हनी बैजर वर्सेस क्रोकोडाइल। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हनी बैजर की शिकार करने के लिए क्रोकोडाइल का ये साइज परफेक्ट लग रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से बेबी क्रोकोडाइल को यहाँ पर हनी बैजर के द्वारा शिकार बना लिया गया है। और हनी बैजर को देखते ही पहले तो क्रोकोडाइल बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि वो शिकार बनने वाला है तो अब वो कोशिश करना भी छोड़